वो फीलिंग जब आपके पास एयर ही एयर है बट आपके लंग्स में एयर जा नहीं पा रही है, दैट फीलिंग वो एक एस्मा का पेशेंट ही समझ सकता है. मी माई सेल्फ बींग एन एस्माटिक सिंस 6-7 ईयर्स, आई नो दैट फीलिंग. हाई डियर, माई नेम इज डॉक्टर कविता. आज हम बात करेंगे एस्मा और इससे रिलेटेड और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, और हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए टू सेव अस फ्रॉम एनी ट्रिगर्स, स्पेशली दिस सीजन. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड मेनली लंग्स को इन्फेक्ट करता है, एंड एस्मा, ब्रोंकाइटिस, COPD, न्यूमोनिया, ये सब लंग्स के ही डिसऑर्डर हैं. तो बेसिकली आप इतना समझ गए होंगे कि इन मरीजों में अगर कोविड होता है तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस सीज़न पर्टिकुलरली ध्यान में रखनी है कि कोई भी एस्मा या ब्रोंकाइटिस का ट्रिगर यानी कि एक्यूट एस्मैटिक अटैक हम अवॉइड कर सकें. अवॉइड डस्ट. दोस्तों दिवाली आ रही है तो सबको घर की सफाई करने का बड़ा शौक चढ़ा होगा. सो स्पेशली जिनके घर एस्मैटिक पेशेंट्स हैं, अवॉइड करें कि ऐसी क्लीनिंग करना या उस रूम में ना रहें जहाँ डस्ट बहुत हो, क्योंकि कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी पॉलन पार्टिकल्स या कोई पेट हो आपके घर में या घर के आसपास, इन सब से एक्यूट एस्मा का अटैक हो सकता है. ट्रैफिक से आप बच नहीं सकते बट ट्रैफिक पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं. थैंक्स टू कोविड हम सब मास्क पहनने लगे हैं, तो वरना एस्मैटिक पेशेंट्स को हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप एयर पोल्यूशन वाली जगह पे जाए तो हमेशा मास्क वियर करें. तो मास्क तो इस सीजन हम सब पहन रहे हैं, राइट? जैसे ये सीजन चेंज हो रहा है तो आपको रात में सोते समय या सुबह उठते हुए छाती में जकड़न या नाक बहना या फिर गले में एकदम खराश और बहुत सारी छींके आना, 10-15 छींके बार बार, ये भी एक ब्रोंकाइटिस या एस्मैटिक पेशेंट के सीजनल चेंज का बहुत टिपिकल सिम्टम है. तो अगर आपके साथ ऐसा होना शुरू हो गया है तो आप केयरफुल हो जाइए. इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एंटी एलर्जिक, हर किसी एस्मैटिक पेशेंट को, क्योंकि ये एक एलर्जिक कंडीशन है, तो हर किसी एस्मैटिक या ब्रोंकाइटिस पेशेंट को एंटी एलर्जिक मेडिसिंस एडवाइस होती हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पता होता है कि उनको कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो वो एंटी एलर्जिक मेडिसिंस गाइस लेनी स्टार्ट कर दीजिए. बहुत सारी एंटी एलर्जिक मेडिसिंस का एक साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, कि नींद आती है. तो मोस्ट ऑफ अस और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना है, एग्जाम है, वो लोग अवॉइड करते हैं. बट क्योंकि आपको छींके बार बार आती है तो जो आपकी आपकी एयर पाइप है उसके अंदर म्यूकस बनता है, जिससे कि आपके जो एयर पाइप है उसका थिकनेस कम हो जाता है, तो हवा कम अंदर जाती है, जिससे कि रिजल्ट क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि या तो आप एंटी एलर्जिक अपने डॉक्टर से एडवाइस करके ऐसी एंटी एलर्जिक ले जिससे नींद कम आती है, ऐसी भी एंटी एलर्जिक होती हैं, या फिर अगर आप अभी डॉक्टर को विजिट नहीं कर सकते तो जो आप ऑलरेडी एंटी एलर्जिक्स आपको प्रिस्क्राइब्ड है वो आप सोने से 2 घंटा पहले लीजिए, ताकि वो उसका जो इफेक्ट है वो आपके सोते समय में ही आ जाए. 2 तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं एस्मैटिक पेशेंट्स में, एक एक्यूट अटैक से बचने के लिए और एक फ्यूचर में कोई अटैक ना आए उससे बचने के लिए. सो एक्यूट अटैक के लिए तो आप सब दवाई ले लेते हैं, बट जो क्रॉनिक अटैक है उसकी दवाई को आपको इस सीजन पर्टिकुलरली फोकस में रखना है. तो जब भी आप अपने डॉक्टर को विजिट करें सो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको वो चीज़ आपको प्रिस्क्राइब करे वो, और आप कम से कम 1 महीने तक वो क्रॉनिक एलर्जी को सप्रेस करने के लिए आपको वो दवाई दें, सो दैट आप ये सीजन एकदम आराम से बिना किसी अटैक के निकाल सकें. इवन आपको अभी से प्रॉब्लम शुरू हुई है, नहीं हुई है, बट जितने भी एस्मा के पेशेंट्स हैं मैं उनको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि इससे पहले कि प्रॉब्लम शुरू हो आप प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए एंड आस्क हिम और हर फॉर सर्टेन एडवाइजेस एंड मेडिसिंस विच यू शुड टेक. इनहेलर. मोस्ट ऑफ अस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इनहेलर्स, राइट? सो आपके पास 2 इनहेलर्स होंगे, एक स्टेरॉयड वाला होगा और एक एक्यूट अटैक्स के लिए होगा. सो गाइज, आई विल एडवाइज यू, अगर आपको कोई भी इनहेलर प्रिस्क्राइब्ड है और अभी आपको सिम्टम आने शुरू हो गए हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह करके अपने इनहेलर स्टार्ट कर दीजिए.
दो बार नहीं तो दिन में एक बार कम से कम आपको अपना इनहेलर लेना है, और आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि इनहेलर कैसे लेना है। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हाउ टू टेक इनहेलर प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसर। सो इनहेलर लेने से डरना नहीं है, क्योंकि इनहेलर आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ एन एस्थमेटिक पेशेंट। क्यों? क्योंकि इनहेलर सीधा एयर के थ्रू आपकी लंग्स में जाता है और वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और उसका इफेक्ट जिन लोगों ने लिया उनको पता है, विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाता है कि आपको अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो विद इन सेकेंड्स आपको इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर सीजन आपको ये सीजनल वेरिएशन के साथ, अगर सुबह उठते ही थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर नॉर्मल डे जब होता है तो कम हो जाती है, तो दैट मीन्स आपके सिम्टम शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं तो दैट विल बी बेस्ट, बट अदरवाइज टॉक टू योर डॉक्टर ऑन फोन एंड कंसल्ट हिम और हर एंड स्टार्ट टेकिंग योर इनहेलर्स। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, भाई ठंड आ चुकी है फॉर द एस्थमेटिक पेशेंट, सो गर्म पानी से नहाना शुरू कर दो। ठंडे पानी से नहीं नहाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ओके? नो कोल्ड बेवरेजेस दिस सीजन फॉर यू गाइज, प्लीज यू हैव टू अवॉइड इट, बिकॉज आपका थ्रोट इज ऑलरेडी सेंसिटिव। तो सामने वाले को होगा नहीं होगा डज नॉट मैटर, बट एक एस्थमेटिक या ब्रोंकाइटिस पेशेंट को पहले ही गला खराब हो जाता है। हाँ, स्पेशली वो जो घर का नुस्खा होता है कि आप एकदम गरम तुलसी अदरक काली मिर्च वाली चाय, वो बिल्कुल पीजिए, रोज सुबह एक चाय पी सकते हैं एंड दैट वर्क्स लाइक अ मैजिक। इफ यू स्मोक एंड यू आर एन एस्थमेटिक पेशेंट, अभी मैं आपको समझाऊंगी नहीं, बट प्लीज प्लीज इस सीजन के लिए अवॉइड करना, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, जिससे कि आपको और रिस्क होगा एस्थमा का अटैक आने का। तो इस सीजन आपको स्मोक नहीं करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी, बिकॉज स्ट्रेस और एंग्जाइटी से एस्थमा का अटैक आने का रिस्क होता है। तो आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर जो आपको नॉर्मली सिम्टम्स सीजनल चेंज के साथ आते हैं उसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स आने लग गए हैं, या फिर गला ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर, बिकॉज इस बार सिम्टम्स कैन बी मिक्स्ड विद कोविड सिम्टम्स एज वेल। सो इफ़ यू फील दैट छाती में कोई जकड़न हो रही है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फीवर भी बनने लगा है, पूरा शरीर टूटने लगा है, और आसपास के लोगों में भी ऐसे सिम्टम्स हैं, या फिर कहीं आपको कोई एक्सपोजर का रिस्क है, तो प्लीज़ गाइज विजिट योर डॉक्टर, हैव दी कोविड टेस्ट। कोविड हो भी जाता है तो इट्स ओके, अगर आप डायरेक्ट मॉनिटरिंग में रहेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको केयरफुल रहना है। सो गाइज दिस वॉज माई वीडियो टॉकिंग अबाउट दी इम्पॉर्टेंट 7 थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड अगर आप एस्मा या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं। सो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए एंड सेलिब्रेट ऑल दी फेस्टिवल्स बीइंग सेफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।